बुरहानपुर जिले के घाघरला में अतिक्रमणकारियों ने होली मनाने के बहाने जंगल में घुसकर जंगल की कटाई की, जिसके बाद वन कर्मियों ने उन्हें रोकने पर उनकी बंदूक और कारतूस से छीन लिए। इस दौरान चार अतिक्रमणकारियों को गिरफ्तार कर बुरहानपुर वन डिपो लेकर आए, लेकिन 40 अतिक्रमणियों ने हमला कर उन्हें छुड़ाने का प्रयास किया लेकिन असफल रहे थे। वहीं एक बार फिर 200 से ज़्यादा अतिक्रमणकारी जंगल में घुसे और करीब 150 एसटीएफ और वन कर्मी घाघरला ग्राम में डेरा डाले बैठे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इस तरह से डेरा डालकर कुछ नहीं होगा, अतिक्रमणकारियों को रोकना और उन्हें गिरफ्तार करना ज़रूरी है। वहीं ग्रामीणों ने प्रशासन पर कोई कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है, साथ ही ग्रामीण प्रशासन और अतिक्रमणकारियों की मिलीभगत का भी आरोप लगा रहे हैं। ये होली के दिन से 400 से 500 की संख्या में जंगल में घुसे हुए हैं। इनके हौसले बहुत बुलंद है, इन्हें कहीं ना कहीं से सह प्राप्त है, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पिछली बार भी 80 से 82 लोग चिन्हित किए गए थे, आज तो कोई उठाया नहीं गया, तो इसका अर्थ यह होता है कि कहीं ना कहीं इनको प्रशासन से या कहीं से भी कुछ न कुछ तो इनको आरक्षण कुछ तो कुछ उन्हें सहारा है। इसीलिए अरे ये जो पुलिस विभाग है वन विभाग वाले सब यहाँ आके 15 दिन से भोकट का खाना खा रहे हैं और जंगल में राटे और जंगल काट रहे हैं। हमारे जंगल में कम से कम 500 जंगल कटाई वाले आए हैं बाहर से, ये जंगल काट रहे, लगातार जंगल काट रहे हैं और यहाँ पे प्रशासन के लोग बहुत से आके पड़े हुए थे, 8 दिन से खाना खा रहे हैं यहाँ, बार बार आते हैं पोजीशन लेते हैं। और जंगल में कम से कम 400-500 अतिक्रमणकारी आके जंगल काट रहे हैं और ये फोर्स लेके एसपी डीएसपी कलेक्टर यहाँ पर कम से कम 15 दिन से पड़े हुए।